गोहाना में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां सड़क हादसे में 19 वर्षीय युवक गजेंद्र की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक राजपुरा जिला हिसार का रहने वाला था और गांव धनाना में सतलोग आश्रम में पिछले 4-5 दिन से सेवा के लिए आया हुआ था। मृतक अपने पूरे परिवार में एक लौता बेटा था। फिलहाल पुलिस ने मृतक के परिजनों के बयान पर अज्ञात ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं मृतक के परिजनों ने बताया है कि गजेंद्र ने इसी साल 12वीं की पढ़ाई पूरी की थी। वो 4-5 दिन पहले गाँव धनाना में सतलोक आश्रम में सेवा के लिए आया था और कल शाम को अपने 2 साथियों के साथ आश्रम के बाहर कहलापा से कथूरा जाने वाले रास्ते पर पैदल टहलने के लिए निकला था। तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया और ज्यादा खून बह जाने के कारण उसकी मौत हो गई। अपना बच्चा पतलोग आश्रम में सेवा के लिए आया हुआ था, एक बार निकला था, स्टूडेंट था और ये सड़क पार कर रहे थे, पीछे से तेज रफ्तार ट्रक ने इसको टक्कर मार दी। कब आया था आश्रम में, कहाँ का रहने वाला है? ये राजपुरा जिला हिसार के रहने वाला था। गाँव राज पढ़ते हैं? अच्छा, पेपर दिए थे अभी तो? अभी आश्रम में आए थे क्या? कब से आ रहे थे? 5-6 दिन पूरे। कथूरा में? नहीं सर, धनाना में। अच्छा, धनाना में। तो वो ट्रक चालक भाग गया? नहीं सर, वो तो आया, नहीं तो मौके की सूचना मिली थी फोन के द्वारा, ऐसे हो गया तो हमने यहाँ से जीएस पे आई थी। जीएस पे गोहाना से रुपया प्राप्त हुआ कि गजेंद्र नाम का लड़का कथूरा काला करोड़ से आया हुआ था और सतलोक आश्रम में आया था। ये जो पीछे से कोई ट्रैक्टर चालक ने टक्कर लगाई, जिससे ब्लू डेड हो तो इस गुवाना में पहुंचा और इसकी पोस्टमार्टम करवा दी। वैसे फिलहाल पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर आरोपी ट्रैक्टर चालक के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है और शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के हवाले कर दिया है। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी।